हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदार। आज 7 नवंबर है और आज का अपना एडिटोरियल है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। तो आज जलवायु परिवर्तन आपको पता ही है बर्निंग इश्यू है आपके, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या करंट अफेयर्स हो, उसमें क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की बहुत चर्चा होती रहती है। अभी दुबई में जो मीटिंग हो रही है, इंटरनेशनल समिट चल रही है, तो उसमें भी क्लाइमेट चेंज पर जो चर्चा हो रही है COP28 के अंदर, तो क्लाइमेट चेंज पर इंडिया का क्या स्टैंड है, चाइना का क्या स्टैंड है और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का क्या स्टैंड है, तो इस पर हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि ये बहुत बर्निंग इश्यू है, इंटरनेशनल इश्यू है, तो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को आपको कंसर्न में रखना है। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित आपके जो एग्जाम में वोकैब आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये आ सकते हैं और आपको ये शब्दावली मालूम होती है तो ये आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सही आंसर दे सकते हैं। तो अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं या किसी नेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ इंग्लिश एक लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है, तो वहाँ आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमेशा की तरह आइए देखते हैं तो अपने इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली बात, अपने 7 दिसंबर के लिए हमने ये एडिटोरियल चुना है क्लाइमेट चेंज का, तो उसमें अपने नई वोकैब सीखेंगे, रीडिंग स्किल्स बढ़ाएंगे और करंट इश्यूज में हमने लिया है क्लाइमेट चेंज COP28 से है, जो ये जो क्लाइमेट चेंज की जो चर्चा हो रही है दुबई में, वहां से लिया है कि अपना रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के क्या रहने वाला है। तो आज की वोकैब में देखते हैं। सबसे पहले रैंगलिंग, वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, रैंगल से रैंगलिंग बना है, टू आर्ग्यू और टू डिस्प्यूट स्पेशली इन नोइजी और एंग्री मैनर, पेचीदा विवाद में पड़ना, थोड़ा सा नाराजगी के साथ आप है जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। आर्ग्यू करना, तर्क करना, क्वारल करना, झगड़ना इसके सिनोनिम हो गए। एग्री और कंसेंसस, सहमति होना, इसका एंटोनिम हो गया। तो ये क्या हो गया, विवाद करना यानी झगड़ा करना, वर्बल झगड़ा करना हो गया, और सर्वसहमति इसका कंसेंसस एंटोनिम हो गया। सो वीक्स ऑफ पॉलिटिकल रैंगलिंग, तो राजनीतिक जो विवाद है उसमें कई सप्ताह बीत गए, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो यहाँ रैंगलिंग किस बात को लेकर के हो रही है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हो रही है, क्योंकि इस COP28 में है जो विकसित है, जो विकसित देश वर्सेज है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वे लोग क्लाइमेट चेंज के इश्यू को लेकर के आपस में क्या चल रहा है, रैंगलिंग चल रही है, किसमें, COP28 में। और आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका जो 28वां संस्करण है, 28th एडिशन है, इसकी कहाँ मीटिंग चल रही है, ये दुबई के अंदर चल रही है। तो ये करंट इश्यूज अपने को ध्यान में रखने हैं, वे ही अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, क्योंकि एग्जाम में इनके आधार पर ही आपका रीडिंग स्किल के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसे जाता है। चलिए जी, दूसरा देखते हैं कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमति, आम सहमति, आम राय, इसे अपने कह सकते हैं आम राय, वी कैन से इट जनरल एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह के अंदर सहमति हो जाना किसी इश्यू को लेकर के, दैट्स हार्मनी और कंकॉर्ड, जो आम राय सहमति होना। डिसएग्रीमेंट और माइनॉरिटी व्यू, अल्पमत या असहमति, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। देयर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट द करंट रिजीम हैज फेल्ड, तो एक बढ़ती हुई आम राय है, सहमति है कि वर्तमान जो रिजीम है, शासन है, रिजीम मींस शासन, रिजीम का मतलब होता है शासन, गवर्नमेंट है, दैट हैज फेल्ड, वो फेल हो चुकी है, ऐसा वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, परंपरा, रिवाज। सो कन्वेंट से कन्वेंशन शब्द बना है। कन्वेंशन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग सम थिंग, परंपरा या रिवाज या सम्मेलन, तो इसका एक कन्वेंशन का है जो सम्मेलन भी होता है अर्थ।
सो अकॉर्ड और प्रोटोकॉल, सो इम्पोलाइटनेस और रूडनेस ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रोटोकॉल को तोड़ने की बात होगी। ए कन्वेंशन साइंड बाय सिक्स स्टेट्स बॉर्डरिंग ऑन द ब्लैक सी एम्स टू प्रिवेंट देयर फर्दर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, परंपरा या रिवाज या अकॉर्ड प्रोटोकॉल हो गया, सहमति होगी जो कि छह राज्यों द्वारा जो कि बॉर्डरिंग स्टेट है काला सागर के पास में, तो वो आगे प्रदूषण रोकने के लिए उसमें क्या हो गए, एक सहमत हो गए, उन्होंने सम्मेलन में इस बात को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इज अनएबिटेड। सो अनएबिटेड ये जो लास्ट में टीईडी है इसको आप टिड पढ़े अनएबिटेड, क्योंकि ये जो ई की ध्वनि देता है, किसकी ध्वनि देता है, ई की। सो अनएबिटेड अक्षय पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है जिसका क्षय नहीं हो, जो क्षीण हो। सो विदाउट बिकमिंग वीकर, जो बिना कमजोर हुए काम करे, यानी अपने कहते हैं अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी अनएबिटेड। सो रिलेंटलेस या स्टेडी, मर्सीफुल या स्टॉपिंग, जो रुक जाए, खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, एंटोनिम हो गया। द स्टॉर्म वॉज रेजिंग अनएबिटेड, तूफान है बहुत ही ज्यादा, बिना रुके, बिना क्षीण पड़े, बिना कमजोर हुए आगे बढ़ रहा था। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। चलो जी, आज का नया शब्द क्या आ रहा है बताएं, इशू। इशू वर्ब है, इशू परहेज करना, त्यागना, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बचना, परहेज करना कि जैसे आपको उसे लेना देना नहीं, छोड़ देना। डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग और एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज से बचना, दूर रहना, जानबूझ करके उसे ही काम में न लेना। रेफ्रेन फ्रॉम या गिव अप, त्यागना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सम पीपल गिव अप ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल का है जो शराब का, लिकर का यूज कम कर देते हैं, त्याग देते हैं, या कुछ उसे बिल्कुल मेरी तरह रेफ्रेन रहते हैं, दे रेफ्रेन फ्रॉम लिकर्स। तो इंडल्ज इन शामिल होना या इन्वॉल्व होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। संलग्न होना, जो चीज आप यूज करते हैं। सो वी मस्ट इशू द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल हीरोइज्म, में क्या है, हीरो वर्शिप से है जो बचना चाहिए। तो हमें आइडिया ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो पूजा का हीरोइज्म का है, उस विचार को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, व्यक्तिगत पूजा नहीं होनी चाहिए। ओके, सो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स नाउन है, विरोधाभास, जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट एट फर्स्ट सीम्स ट्रू। तो जो ऐसा स्टेटमेंट हो जो अपने आप में क्या है, क्या लगे, विरोधाभासी लगे, जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। तो कॉन्ट्राडिक्शन, इनकंग्रुइटी, जो अपने आप में विरोधी प्रवृत्ति का हो, ट्रुथ और द सेम, वही जो सत्य हो और या वही हो, तो ये इसका क्या हो गया। टेम्पल्स फेस द पैराडॉक्स ऑफ हैविंग एनॉर्मस, एनॉर्मस होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा वेल्थ इन ट्रेजर्स बट ह्यूज एनुअल एक्सपेंसेस। जो मंदिर होते हैं, गिरजाघर होते हैं, ये क्या करते हैं, फेस द पैराडॉक्स, ये विरोधाभास का सामना करते हैं, ऐसे लगता है कि इनके पास विशाल धन है। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत ज्यादा, विशाल या ज्यादा, और वेल्थ धन होता ही है, वेल्थ इन ट्रेजर्स की उनके राजकोष के अंदर बहुत ज्यादा धन है, लेकिन ह्यूज, ह्यूज यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा। अब देखो क्या होता है, सिनोनिम का यही फायदा होता है, या इनॉर्मस हो गया, इधर क्या यूज हो गया, ह्यूज का प्रयोग हो गया, ह्यूज एनुअल एक्सपेंसेस, उनके बहुत ज्यादा वार्षिक एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। ओके, तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो सिनोनिम एंटोनिम का ये फायदा होता है आपको, सेम वर्ड रिपीट करने से जो क्या होता है, जो एक बोरेडम आता है, नीरस्त आती है, उसे आप बच जाते हैं। चलो जी, आज का एडिटोरियल देखते हैं क्या है, अननेस्ट रेकनिंग। अब सबसे पहले तो आप ध्यान दें, जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एच की जो ध्वनि है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, ये एच साइलेंट होगा, अननेस्ट होगा, एन आर्टिकल लगता है इसके पहले हमेशा, क्योंकि वोवेल साउंड दे रहा है। सो ऑन द रियलिटी बिहाइंड द कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरणीय,
नवीनीकरणीय है, इसको आप यहाँ ध्यान ले लें, ये बार बार आएगा, रिन्यूएबल जिसे रिन्यू किया जा सके, इसमें रूट वर्ड है न्यू, नया, तो न्यूएबल जिसे नया बनाया जा सके, इसके आगे एबल जोड़ दिया, इसे पहले री लगा दिया तो फिर से नया बनाया जा सके, यानी बार बार काम में लिया जा सके। तो रिन्यूएबल नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है उनके लिए जो कमिटमेंट ऑन द रिलेटिव बिहाइंड द कमिटमेंट्स, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर के जो हमारे कमिटमेंट है उनकी वास्तविकता क्या है, इस पर एक ईमानदारी से चर्चा की जाए। मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी सीम अनविलिंग अनिच्छुक जो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल होता है जीवाश्म, क्या होता है जीवाश्म ईंधन, तो जो जीवाश्म ईंधन से मूव अवे दूर जाने के लिए, दूर हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कौन? बड़े बड़े आर्थिक शक्तियां हैं जैसे अमेरिका है, चीन है, ये। सो द बाउंड्री वॉल एनक्लोजिंग डिस्कशंस अराउंड ग्लोबल क्लाइमेट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो बाउंड्री वॉल है, एनक्लोजिंग यानी कि जो सीमा बनाई गई है, हमने लिमिट जो बनाई है वो क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस है कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और दी एवरेज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, या औद्योगिक समय से पहले जो वैश्विक जो तापमान था उसके औसत से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। सो नाउ दैट 1 डिग्री सेल्सियस इज क्रॉस्ड, अब जो 1.5 डिग्री की जो सीमा है उसमें से 1 डिग्री तापमान तो दुनिया का बढ़ चुका है, अब रे बात ले देकर के आधे डिग्री की, ऑल द रैंगलिंग जो सारा का सारा विवाद है, पचड़ा है, ये जो सारा का सारा जो विवाद है, रैंगलिंग है, अंडर वे एट द क्लाइमेट समिट इन दुबई, जो दुबई के अंदर COP28 चल रहा है, उस समिट के अंदर सारा का सारा क्लाइमेट समिट, जो जलवायु की जो वार्षिक बैठक हो रही है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसके अंदर सारी सारी रैंगलिंग इसी बात को लेकर के है, इस टू कैप द हाफ डिग्री राइज, कि आधे डिग्री की, 1.5 में से 1 डिग्री की वृद्धि तो हो चुकी है, अब बचा हुआ जो हाफ डिग्री है इसको कैप कैसे किया जाए, इसकी सीलिंग कैसे की जाए कि ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, दुनिया का टेम्परेचर हम कैसे कंट्रोल कर सके, इसी बात को लेकर के सारी बातें हो रही है। ओके, ग्लोबल प्लेजेज टू कट इमिजन्स आर इनसफिशियंट, जो वैश्विक जो निश्चय हैं, प्लेजेज हैं, शपथ हैं, दुनिया भर के नेता और देश कह रहे हैं कि वो उत्सर्जन को कम करेंगे, इस बात को लेकर के उनकी जो निश्चय हैं, शपथ हैं, वो वादे हैं, इमिजन्स उत्सर्जन का यह मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन, या जो हानिकारक गैसों के जो उत्सर्जन होते हैं देश में औद्योगिक विकास से, आर इनसफिशियंट, वो अपर्याप्त है, सफिशियंट होते हैं पर्याप्त, और इनसफिशियंट अपर्याप्त हैं टू अचीव दिस, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दुनिया का तापमान नहीं बढ़ पाए। करंट एस्टिमेट्स आर दैट, वर्तमान में ये अनुमान है कि टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, कि अगर हम वैश्विक ऊष्मन को, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट कर पाए, अगर रोक पाए, कब तक, द वर्ल्ड रिक्वायर्स 3 times मोर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। तो अगर हम इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को कम करना चाहते हैं तो दुनिया को 2030 तक, बाई प्लस टाइम हो, तो यहां बाई का मतलब होता है तक, बाई प्लस टाइम हो, ये डिटरमाइनर है, प्रीपोजिशन है, बाई प्लस टाइम का मतलब होता है तक, तो इसकी एनर्जी की क्षमता है रिन्यूएबल नवीनीकरणीय, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है 2030 तक, वो 3 गुना हमें आवश्यकता होगी, 3 times मोर रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा अगर आज हमें 100 गीगावाट चाहिए तो उसे हमें 300 गीगावाट करनी पड़ेगी, 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, और वो होगी या एटलीस्ट 11,000 गीगावाट, 11,000 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता होगी 2030 तक, तभी हम दुनिया के तापमान को 1.5 डिग्री की कैप पर रोक पाएंगे, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट देयर इज वाइड ग्लोबल कंसेंसस ऑन द नीड
फॉर दिस ट्रिपलिंग वॉज फर्स्ट फॉर्मली आर्टिकुलेटेड इन द न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एट द G20 समिट इन दिल्ली इन सेप्टेम्बर। अब सबसे पहली बात यह है कि इस जो बात की जो सबसे पहले सर्वसहमति हुई वो औपचारिक रूप से आर्टिकुलेट की गई। आर्टिकुलेट का मतलब होता है पहली बार कोई बात को आगे आकर के कहना, तो आर्टिकुलेट इसको सबसे पहले दिल्ली के अंदर कहा गया। नई दिल्ली के अंदर जो नेताओं की जो घोषणा हुई थी G20 शिखर सम्मेलन के अंदर जो कि भी सितंबर में हुई इसी साल, वहां ये घोषणा हुई थी कि हमें इस पर काम करना है। तो G20 की समिट की जो अपने मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया में हुई थी, तो उसमें भारत के नेतृत्व में इसी बात को आगे बढ़ाया गया था। तो देखते हैं COP28 में इसमें सहमति होती है या नहीं होती है। अब आगे देखते हैं और क्या अच्छे सामने आते हैं। इन द रन अप टू दी दुबई समिट, अब दिल्ली समिट के बाद में G20 के रन अप में अब उसी के फॉलो अप में ये दुबई समिट हो रही है। इट वॉज प्रसीव्ड दैट दिस वुड बी वाइडली एंडोर्स्ड बाय लार्जर ग्रुप ऑफ अबाउट 190 कंट्रीज सिग्नेटरी टू द UN कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट। अब ये ऐसे लग रहा था कि इसको एंडोर्स्ड बाय सपोर्टेड बाय, तो इसको जो बहुत बड़े वैश्विक समूह का समर्थन मिलेगा, एंडोर्समेंट मिलेगी, जो कि 190 देश है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन है, सम्मेलन है क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर जो एकॉर्ड है उस पर हस्ताक्षर करता 190 देश है सिग्नेटरी है जिन्होंने इस संधि पर साइन कर रखे हैं कि यस हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे। एंड इट टर्न्स आउट दैट सो फार 118 कंट्रीज हैव एंडोर्स्ड द प्लेज, और ऐसे लगता है कि 190 में से 118 आउट ऑफ 190 कंट्रीज ने क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया है, इस पे साइन सपोर्ट कर दिया है शपथ को। एंड टू मेजर कंट्रीज, और दो बड़े देशों ने आई इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन ने इसको एंडोर्स नहीं किया यानी भी साइन नहीं किए हैं, हैव सो फार एब्सेंट फ्रॉम द साइनिंग। भारत और चीन ने है जो हस्ताक्षर करने से अपने आप को दूर रखा है, इसे परहेज किया है, एब्सटेन किया है। क्यों? क्योंकि भारत और चीन, भारत का भी यही मत है और चीन का भी यही मत है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर औद्योगिकीकरण के युग के अंदर, उससे पहले और खासतौर से 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के दौरान इतना ज्यादा प्रदूषण किया और खुद का विकास कर लिया, और अब हमें वो ज्ञान दे रहा है कि आप प्रदूषण नहीं करें, आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं करें, तो आप पहले इतना कर चुके हो उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि वो तो आप लोगों ने किया है, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। या हमसे जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, जो ग्रीन क्लीन टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हो वो इतनी कॉस्टली पड़ती है, आप पहले प्रदूषण कर चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी भरपाई करनी चाहिए, तो हमें कंपनसेट करो। तो कार्बन ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर कि हम जितने क्लीन एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी लाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें जो कॉस्ट आएगी तो उसके लिए आप जो भुगतान करें या विकासशील देशों को सब्सिडी दें, तो इसके लिए है जो विवाद चल, इसलिए भारत और चीन ने इस पे साइन नहीं किए, ये बात आप ध्यान में रखें। सो द ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, तो जो वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा और उसकी ऊर्जा कुशलता की जो शपथ है अर्थात कमिटमेंट है, वाइल स्टिल ए ड्राफ्ट टेक्स्ट, अभी ये ड्राफ्ट टेक्स्ट है, अभी एक प्रारूप के रूप में है, कानून नहीं बना है, लेकिन ये प्रारूप कहता है सेज दैट इन देयर परस्यूट ऑफ ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, कि अब तक जो नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के संसाधन जुटाने के प्रयास में क्षमता अर्जित करने के लिए सिग्नेटरी शुड ऑल्सो कमिट टू फेज डाउन ऑफ अनएबिटेड कोल पावर। तो उन्होंने अभी तक जो एक्से जो कोल पावर है, कोयले की जो बिजली बनाने की जो क्षमता है उसको भी कम करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर एंडिंग द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन अनएबिटेड न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, और कम से कम अपने जो अभी जो एक निवेश चल रहा है कोल पावर प्लांट्स के अंदर उसको भी टैकल करना होगा। दिस इज ए मेजर रेड लाइन फॉर इंडिया, ये भारत के लिए एक रेड लाइन है, चेतावनी है, वार्निंग है। तो रेड लाइन का मतलब होता है
वार्निंग, चेतावनी। तो ये भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि कोयले से हम जो पावर प्लांट में बिजली बना रहे हैं उस पर है जो प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, इसीलिए भारत इसमें साइन नहीं कर रहा। ओके, वाइल इंडिया हैज पोजिशन्ड इटसेल्फ एज अ चैंपियन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जबकि कोयले से बिजली बनाने के साथ साथ हमने जो सोलर एनर्जी में काफी काम किया है, तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को चैंपियन की तरह प्रस्तुत किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का इंडिया संस्थापक अध्यक्ष है, ये आपको पता ही है, इसका न्यू दिल्ली गुरुग्राम में मुख्यालय है। इट्स 2030 टारगेट एज आर्टिकुलेटेड इन इट्स फॉर्मल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC। तो एक NDC नामक राष्ट्रीय जो डिटर्मिनेशन है योगदान का रिन्यूएबल एनर्जी में, उसके जो हमारे भारत के खुद के कहे हुए लक्ष्य हैं 2030 तक के, वो क्या कहते हैं, स्पीक ऑफ ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट फ्रॉम द करंट 170 गीगावाट, कि हम अपने 170 गीगावाट की जो वर्तमान में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है इसे बढ़ा करके 500 गीगावाट करने वाले हैं। ओके, सो इट हैज रिएटरेटेड सेवरल टाइम्स, तो भारत ने इस बात पर कई बार रिएटरेट किया है, दृढ़ता से कहा है, दैट इट कुड नॉट बी फोर्स्ड टू गिव अप सर्टेन फ्यूल्स। अब जैसे हमें फॉसिल फ्यूल को त्यागने के लिए, गिव अप करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। सो कोल फायर्ड प्लांट्स, कोयला जलाने से जो हम बिजली बनाते हैं, कोयला घर होते हैं, बिजली घर होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 70% ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस इमिजन्स। तो भारत का जो ग्रीन हाउस गैस इमिजन होता है उसका 70% कोयले से बिजली घरों, कोयले से जो बिजली बनती है उन बिजली घरों से आता है, पावर प्लांट से आता है, तो इसका योगदान ज्यादा है। सो डेवलप्ड कंट्रीज दैट हैव मेड कमिटमेंट्स टू गिव अप कोयल ऑफन हैव अदर लार्ज फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज एज बैकअप। अब जो विकसित देश हैं उन्होंने ऐसे कमिटमेंट कर लिए हैं कि वो कोयले से बिजली बनाने को छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, तो उनके पास में दूसरे बहुत बड़े जो बायोफ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते, जीवाश्म ईंधन के जो संसाधन होते हैं, उनके पास उसका बैकअप होता है, जो कि इंडिया के पास ऐसा नहीं है। सो यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट 56 अदर कंट्रीज एट दुबई इन ए कमिटमेंट टू कंप्लीटली इश्यू कॉल फॉर इट्स एनर्जी यूज बाय 2035। अमेरिका ने 56 अन्य देशों के साथ में दुबई के अंदर ऐसा कमिटमेंट किया है कि वो पूरी तरह से कोयले की जो ऊर्जा है उसे 2035 तक है जो इशू कर देगा, त्याग देगा, ऐसा उसने साइन किया 56 अन्य देशों के साथ में। तो उसके पास अदर रिसोर्सेज है, हमारे पास ऐसा नहीं है, इसलिए इंडिया और चाइना भी इस पर साइन नहीं कर रहे। ठीक है, However, the US only draws about 20% of its energy from coal. यद्यपि अमेरिका अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का मात्र 20% ही कोयले से बिजली बनाता है, and at least 55% from oil and gas. तो 55% वो ऑयल और गैस से एनर्जी लेता है। With plans to actually produce of it in 2030 than at present. और जो योजना भी उसकी वर्तमान की बजाय 2030 को लेकर के है, So, इसका जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो विश्व की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर के जो कमिटमेंट हैं, वादे हैं, उसका पैराडॉक्स विरोधाभास क्या है, इज दैट इट इज नॉट, वो ये नहीं है कि एज ऑफ नाउ जो कि अब है एक्चुअली गियर्ड अप टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल, और वो वास्तव में जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोलियम डीजल है जिसे गैसोलीन कहते हैं अमेरिका वाले, इसको रिप्लेस करने को लेकर के, टिल देयर इज एन ऑनेस्ट कमिटमेंट टू एक्चुअली रिप्लेस एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर फॉसिल कैपेसिटी, जब तक एक ईमानदारी पूर्ण इसमें कमिटमेंट नहीं किया जाए, जब हम वास्तविक रूप से एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को बचा सके, रिप्लेस कर सके, उसकी जगह ले सके, एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में विद्यमान है, एंड फ्यूचर फॉसिल, और आने वाले समय में जो हमें फॉसिल फ्यूल मिलने वाली क्षमता है उसको रिप्लेस करें, किसे, विद क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा से, जैसे सोलर एनर्जी से, हाइड्रोजन एनर्जी से, विंड एनर्जी से, तो पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और
जो अपने सोलर एनर्जी से सौर ऊर्जा से उसको रिप्लेस करें। प्लेजेज एंड डिक्लेरेशंस आर वर्थ लिटल मोर देन द पेपर दे आर ड्राफ्टेड ऑन। तो ये जो वैश्विक जो शपथ हम ले रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, जो घोषणाएं हम कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे, वे प्लेजेज और वो डिक्लेरेशन, वो शपथ और घोषणाएं वर्थ लिटिल मोर देन, वो पेपर कागजी घोषणाओं के सिवाय कुछ नहीं है जिस पर उनको ड्राफ्ट किया गया है। यानी ये केवल थोथी बातें हैं, वास्तविकता नहीं है जब तक हम इसमें अच्छी तरह से लागू नहीं करते निष्पक्षता के साथ में। आपको क्या लगता है इंडिया का क्लाइमेट चेंज को लेकर के जिस पर इसने भी साइन नहीं किए हैं, क्या ये स्टैंड सही है और क्या वास्तव में अमेरिका और अन्य यूरोपियन देश जो पहले विकसित हो चुके हैं जिन्होंने खूब सारा पोल्यूशन किया है, तो वो क्लाइमेट चेंज में जो तापमान वृद्धि हो रही है वैश्विक स्तर पर, जो क्लाइमेट चेंज में बहुत उथल पुथल हो रही है, उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? तो भारत का स्टैंड सही है या यूरोपियन कंट्रीज का स्टैंड सही है, आपको क्या लगता है आप ये बात में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का एडिटोरियल आपको कैसे लगा? अगर आप कर रहे हैं सीजीएल की और जीडी की तैयारी तो हमारे शिखर सेंटर पर ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। बैच लगभग जीडी का लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते का, आज से ही सुबह 9 से 1 बजे तक क्लासे होती हैं, तो आप सुबह 9 से 1 तक ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन में आपको जो डेली इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए अपना एडिटोरियल आता है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश की भी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।